जो था लॉ कमीशन की जो कालावधि है 7/9/2021 से आदेश निर्गत की तिथि के पूर्व तक विनियमित करते हुए आदेश निर्गत की तिथि से अगले 3 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है। तो बिहार लॉ कमीशन जो है उसका गठन किया गया है और इस पर अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश श्री विनोद कुमार सिन्हा जो बिहार राज्य विधि आयोग के उक्त विस्तारित कार्यकाल तक के नियुक्त किए जाएंगे। तो ये अध्यक्ष होंगे बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष। राज्य में संचालित जो सरकारी पैरामेडिकल संस्थाओं में सृजित पदों के विरुद्ध व्याख्याता एवं डेमोन्स्ट्रेटर ट्यूटर के पदों पर एक एक वर्ष के लिए या नियमित नियुक्ति होने तक मानदेय के आधार पर अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि डेमोन्स्ट्रेटर की सेवा लेने की स्वीकृति दी गई। तो गेस्ट लेक्चरर पर ये डेमोन्स्ट्रेटर और व्याख्याता जो लिए जाएंगे, क्योंकि अभी नियुक्ति प्रोसेस में है इसलिए राज्य अंतर्गत संचालित सरकारी पैरामेडिकल संस्था में सृजित पदों के विरुद्ध जो व्याख्याता एवं डेमोन्स्ट्रेटर ट्यूटर हैं उस पर ये गेस्ट लेक्चरर्स लिए जाएंगे। श्रम आयुक्त कार्यालय के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिक आशुटंका के मूल कोटि के कुल स्वीकृत 61 पद को विभिन्न कार्यालयों के लिए चिन्हित किए गए हैं। केवल आशुलिपिक का आशुटंकक है, इसको रीऑर्गेनाइज किया है विभिन्न कार्यालयों के बीच। राज्य में जो कारों में कारा अस्पताल प्रबंधन हेतु गाड़ियां 67 ड्राइवर्स के पद स्वीकृत किए गए हैं। इसमें कारा और कारा अस्पताल में जो एम्बुलेंस है उसके लिए 67 पद स्वीकृत किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए 2 प्रोग्रामर आईटी संवर्ग के 2 प्रोग्रामर स्वीकृत किए गए हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में 273 पदों के अतिरिक्त 116 पद, इसमें अंग्रेजी के 67, भौतिकी के 30 पद और गणित के 19 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार जो राजकीय पॉलिटेक्निक है हमारे राज्य में उनमें भी 131 पद स्वीकृत किए गए, जिसमें 37 अंग्रेजी हैं, भौतिकी के 29, रसायन शास्त्र के 36 और गणित के 29 पद। पीएचईडी में जो नल जल योजना कार्यान्वित करती हैं उसमें पूर्व से स्वीकृत कीमैन से चौकीदार का कुल 628 पद हैं तथा खलासी के कुल 822 पदों को विभाग अंतर्गत वर्तमान में क्रियाशील सभी 39 कार्यप्रमंडल में आवश्यकता अनुसार पुनर्गठित कर दिया गया, बेसिकली रीऑर्गेनाइज किया है और साथ ही साथ उप पदों का दायित्व निर्धारण किया गया। लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत मुख्यालय हेतु वाहन चालक के 3 अतिरिक्त पदों का स्वीकृत किया गया है। राज्य के 38 जिला अस्पतालों, 61 अनुमंडलीय अस्पतालों, 2 दंत चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों, 212 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय औषधालय, राजकीय राजभवन पटना तथा राजकीय औषधालय पटना उच्च न्यायालय पटना के लिए दंत चिकित्सक के 770 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति की गई है। बिहार मत्स्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत सहरसा न्याय मंडल में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का 1 पद सृजन किया गया है। नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक क्रिकेट स्टेडियम के लिए 33 संविदा आधारित पद सृजित किए गए हैं। खेल विभाग ने अपने जितने भी पद हैं, पुराने पद हैं, उसको मर्ज करते हुए 466 अतिरिक्त पदों का सृजन किया है। बिहार उद्यान सेवा के अंतर्गत समूह क के पदों के सृजन एवं सपरिवर्तन किया गया है। कृषि विभाग सेवा कोटि 9 सांख्यिकी के समूह क एवं ख के पदों के सृजन एवं सपरिवर्तन किया गया है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि 16 अगस्त को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया था और भविष्य में भी इसी तिथि को पुण्यतिथि मनाया जाएगा। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति जो सरकार ने आदेश निर्गत किया है उसकी घटनोत्तर स्वीकृति दी है।